सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन संडे की वजह से पता नहीं अलार्म बजा या नहीं बजा, नींद खुली ही नहीं। 6 बजे नींद खुली है, तो बाहर का मौसम दिखाता हूँ, आज बारिश होने की पूरी संभावना है। सुबह से ही बादल लगे हुए हैं, हो सकता है आज दिन में बारिश हो। फिलहाल चलते हैं मार्केट, नाश्ता के लिए सामान लेकर आते हैं। और संडे संडे में कभी कभी पराठे खा लेता हूँ बाहर से लाकर, तो बाहर से आज पराठे लेकर आते हैं और न्यूज़पेपर, उसके बाद नाश्ता करके फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। आज मार्केट भी जाना है करोल बाग, बुक्स लेनी है और प्रिंट आउट निकलवाना था, तो शाम में चलेंगे 5-6 बजे तक। फिलहाल मार्केट चलते हैं। देखो ये 47, 18, 45, 60, 70, 74 को भी आप। हमारा नाश्ता बन गया है। आज नाश्ते में है कॉफ़ी, चने भिगोए थे रात का वो फ्राई कर लिया है, केले हैं, बादाम ये भी रात का भिगोया हुआ था उसका छिलका निकाल दिया है, और ब्रेड है, पराठे ले आया था और उसकी सब्जी है, और अंडे अभी बॉयल हो रहे थे। आज बहुत हैवी नाश्ता करते हैं और साथ ही साथ न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। न्यूज़पेपर मैं डेली हार्ड कॉपी नहीं पढ़ता हूँ, जिस दिन जिम की छुट्टी रहती है उस दिन पढ़ लेता हूँ, 1 घंटे उसी टाइम को यूटिलाइज़ कर लेता हूँ मैं, एंड बाकी दिन मैं एनालिसिस देख लेता हूँ न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अब हमारा फर्स्ट सेशन शुरू होगा, और फर्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं ऑप्शनल की क्लास, जो कि ऑनलाइन होगी, और ये क्लास आई थिंक अब तक तो आ गई होगी। ऑप्शनल की क्लास मैं कभी मिस नहीं करता हूँ, बाकी सब्जेक्ट तो रिवीजन पे चल रहे हैं, ऑप्शनल मैं अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, तो इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सारी क्लास टाइम पर देखनी है। आज संडे है, थोड़ा सा बाहर भी जाना है दोपहर में, शाम तक वापस आऊँगा। फिलहाल लंच बना लेते हैं, और लंच में मैं बना रहा हूँ रोटी, और मार्केट से ले आऊँगा कोई सब्जी, क्योंकि आज मेस से खाना नहीं खाऊँगा, क्योंकि संडे की वजह से आज बनाए हैं छोले भटूरे मेस में, तो मेस का खाना आज मैं बंद कर रहा हूँ। तो ये हमारा आज का है लंच, जिसमें है रोटी, मिक्स वेज और थोड़े से प्याज खीरे, ये देखो इतने सारे ऑयल निकले हैं इस सब्जी से, पैकिंग फूड में यही तो प्रॉब्लम रहती है। 5 hours later शाम हो गई ज़्यादा, और चलते हैं मार्केट, बुक्स लेकर आते हैं, प्रिंट आउट भी लेना था PYQ उसका, ज़्यादा समय नहीं लगेगा जाने में क्योंकि 3 मेट्रो ही है बस पास में ही है। और करोल बाग मेट्रो स्टेशन से निकलते ही दृष्टि की है फर्स्ट बिल्डिंग, इसमें मेरी क्लास पहले चलती थी, और ये सुब्रा रंजन मैम की नया बोर्ड लग गया आई थिंक, और नीचे शंकर IAS एकेडमी, इसका भी काम चल रहा है। विजन IAS की ये ऑफिस है दूसरी साइड मेट्रो के, और यहाँ पे कई सारे बुक्स के शॉप हैं। इसके बाद अब चलते हैं मार्केट के अंदर, यहाँ वाजीराम, श्रीराम IAS, सूर्य IAS, एक ही बिल्डिंग में कई कोचिंग्स के ऑफिसेज हैं। इसमें है स्टडी IQ, तथास्तु, इनसाइट IAS, ओनली IAS, अगेन स्टडी IQ। और यहाँ से मैं अपने प्रिंट आउट निकलवा लेता हूँ, और अब चलते हैं वापस, और वापस जाते टाइम ये दिख रहे हैं मलुका IAS, फोरम IAS के टॉपर्स की कुछ नोट्स हैं यहाँ पे, राउज IAS स्टडी सर्कल, IAS बाबा, विजन IAS की ये क्लास रूम है, चाणक्य IAS अकेडमी,
और यहाँ भी एक ही बिल्डिंग में कई सारे परफेक्शन आईएएस जीएस स्कोर बायजूस बायजूस के न्यूज़ एनालिसिस बहुत अच्छे होते हैं। अन अकेडमी सेंटर ऑफलाइन ये क्लासेस हैं यहाँ पे, ये भी मेट्रो के जस्ट सामने ही है। यहाँ पे ओनली आईएएस पीडब्ल्यू के हैं, यहाँ भी ऑफिस है प्लस इनकी क्लास भी यहीं पर चलती है मेट्रो के जस्ट सामने। और अब हमारी आ गई मेट्रो, चलते हैं वापस रूम पर और साथ ही साथ ले चलते हैं रात का खाना भी बाहर से ही ले चलते हैं आज, क्योंकि इतनी समय तो बनाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है और दिन भर वैसे ही आज इधर उधर टाइम वेस्ट हुआ है। अब सीधा पढ़ाई करते हैं 3-4 घंटे कंटिन्यू, उसके बाद रात में डिनर करके फिर सोएंगे रात में 11:30-12 बजे तक। सो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, और अब सीरियस पढ़ाई करनी है 3-4 घंटे कंटिन्यू, तो वो मैं वीडियो शूट नहीं करूँगा क्योंकि उसमें फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। सो गाइज मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।